भिंड में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टोल मांगने पर ही बदमाशों ने टोल कर्मी पर 30 राउंड फायर कर दिए, जिसमें टोल कर्मी बुरी तरह घायल हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे का है, जहां उमरी गांव पर बने टोल बूथ पर रात को करीब आधा दर्जन बदमाश पहुंचे और जैसे ही टोल कर्मी ने इनसे टोल के लिए पैसे मांगे, वैसे ही इन्होंने टोल कर्मी पर 30 राउंड फायरिंग कर डाली। बदमाशों की इस अंधाधुंध फायरिंग से टोल कर्मी बुरी तरह घायल हो गया। टोल मैनेजर की माने तो यह पूरी घटना टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सर, सुदीप यादव जी आए थे रात में करीब 11:30-12 के बीच में और बोले हमारे रेत के ओवरलोड ट्रैक्टर निकलने हैं तो टोल नहीं लगेगा उसका। तो मैंने शिफ्ट इंचार्ज द्वारा बताया गया कि नहीं नहीं टोल से तो निकल के जाएंगी, तो उनने बोला कि नहीं, तो फिर उनने वहाँ से राउंड फायर कर दिए। हमारे उसमें एक टीसी हैं सलमान खान, उनको गोली लगी सर। हाँ, गोली का छटा लगा तो नहीं सर, घायल हैं, तेज घायल हैं। हाँ सर, पुलिस को शिकायत की थी लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। कारतूस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कारतूस वगैरह भी पुलिस के द्वारा नहीं उठवाए। सर, सुदीप यादव जी हैं और सर पुराना टोल जो चलाते थे पुनू यादव, मुझे तो इसमें उनका भी षड्यंत्र कुछ लग रहा है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इन लोगों को। अब सर अंधेरा होने की वजह से इतने ज़्यादा लोग देख नहीं पाए लेकिन ये लोग तो सर 25 से 30 के करीब राउंड फायर। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बदमाशों के बुलंद होते इस हौसले के खिलाफ पुलिस क्या सख्त कदम उठाती है। MP News के लिए भिंड से मनीष ऋषिवर की रिपोर्ट।